स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी अपनी क्वेश्चन हिंदी व्याकरण की बुक, रफ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ शब्दों और वाक्यों की सहायता से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बेटा, यह पहला चित्र किसका है? घर का। वेरी गुड। घर यानी होम, और घर को और हम क्या कहते हैं? गुड, भवन। घर को हम भवन भी कहते हैं। और इसका तीसरा शब्द है मकान। इन तीनों का सेम मीनिंग होता है, घर, भवन और मकान। तो चलिए अब इसके वाक्यों द्वारा इसे समझते हैं। पहला है, यह घर सुंदर है। दूसरा है, यह भवन सुंदर है। तीसरा है, यह मकान सुंदर है। तो बेटा आपको पता लगा, घर, भवन, मकान ये तीनों शब्द लिखने और पढ़ने में अलग अलग हैं, परंतु इन तीनों का एक ही मतलब है यानी होम। तो इसकी एक अन्य उदाहरण है, यह चित्र किसका है? वेरी गुड, पेड़ का। पेड़ यानी ट्री। तो बेटा पेड़ को और हम क्या कहते हैं? वृक्ष। वेरी गुड। वृक्ष के स्पेलिंग देखिए, व के पहले री, क्ष, वृक्ष। और इसका तीसरा शब्द है तरु। त, र को उ, तरु। इन तीनों शब्द का सेम मीनिंग होता है। तो चलिए अब वाक्यों द्वारा इसे समझते हैं। पहला है, यह एक पेड़ है। दूसरा है, यह एक वृक्ष है। तीसरा है, यह एक तरु है। तो बेटा पेड़, वृक्ष, तरु ये तीनों शब्द लिखने और पढ़ने में अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों का सेम मीनिंग होता है यानी ट्री। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक का पेज नंबर 57 निकाल लीजिए। तो चलिए समानार्थी शब्दों की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन शब्दों के अर्थ, अर्थ यानी मीनिंग, समान, समान यानी सेम होते हैं, या समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आइए नीचे दिए गए कुछ शब्दों के समानार्थी शब्द समझते हैं। सूर्य। सूर्य यानी सन। सूर्य के स्पेलिंग देखिए, स को बड़ा उ, य के ऊपर एफ, सूर्य। सूर्य के समानार्थी शब्द हैं रवि, दिनकर, सूरज। मित्र। मित्र यानी फ्रेंड। सखा, दोस्त, सहचर। दोस्त के स्पेलिंग देखिए, द को ओ, आधा स, त, दोस्त। गंगा। गंगा एक नदी का नाम है। देव नदी, मंदाकिनी, सुर नदी। मंदाकिनी के स्पेलिंग देखिए, म के ऊपर अंग, दा, क को छोटी ई, न को बड़ी ई, मंदाकिनी। बेटा इन टफ वर्ड्स को, डिफिकल्ट वर्ड्स को आप अपनी अपनी कॉपीज पर साइड बाय साइड लिखते जाइए। संसार, वर्ल्ड। जग, विश्व, दुनिया। विश्व के स्पेलिंग देखिए, व को छोटी ई, आधा श, शलगम वाला। आधे श के साथ, अगर हम श के साथ स्टैंडिंग लाइन नहीं लगाते तो ये आधा श बन जाता है, श, व, विश्व। नाव, बोट, नौका, किश्ती, तरिनी, बेड़ा। किश्ती के स्पेलिंग देखिए, क को छोटी ई, आधा श, त को बड़ी ई, किश्ती। तरणी, त, र को छोटी ई, अण को बड़ी ई, तरणी। प्रकाश, लाइट, ज्योति, प्रभा, रोशनी। ज्योति के स्पेलिंग देखिए, आधा ज, य को ओ, त को छोटी ई, ज्योति। प्रभा, प के पे में पधेन, भ को आ, प्रभा। नेक्स्ट है दूध। दूध यानी मिल्क। मिल्क को और क्या कहते हैं? दुग्ध। पय, शीर। दुग्ध के स्पेलिंग देखिए, त को छोटा उ,
आधा ग ध दुग्ध, हवा विंड, वायु पवन समीर, घोड़ा घोड़ा यानी हॉर्स, इसका समानार्थी शब्द है हय गोटा तुरंग। तुरंग की स्पेलिंग देखिए तो को छोटा ऊ र के ऊपर अंग ग तुरंग, सिंह लायन, शेर केसरी वनराज। दांत तीत को देखो और दांत की स्पेलिंग देखिए ध को आ ऊपर चांद बिंदु त दांत, दंत दशन द्विज। द्विज की स्पेलिंग देखिए ध के पैर में हलंत व को छोटी ई ज द्विज, कपड़ा क्लोथ, वस्त्र चीर वस्न। वस्त्र के स्पेलिंग देखिए व आधा स त्र वस्त्र, पुत्री डॉटर को क्या कहते हैं बेटी तन्या तनुजा, इसको हम लड़की भी कह सकते हैं। राजा किंग, नृप नरेश प्रजापति। नृप की स्पेलिंग देखिए न के पैर में री प नृप, प्रजापति के देखिए प के पैर में पदेन जा प तक छोटी ई प्रजापति। जल नीर पानी वारी, वारी की स्पेलिंग देखिए व को आ र को छोटी ई वारी। फूल फूल यानी फ्लावर, पुष्प सुमन कुसुम। पुष्प के स्पेलिंग देखिए प को छोटा ऊ आधा श षटकोण वाला प पुष्प। पृथ्वी अर्थ, भू भूमि धरा। रात रात्रि निशा रजनी, रात्रि के स्पेलिंग देखिए रा त्र को छोटी ई रात्रि। नदी रिवर सरिता टटनी सरी, टटनी की स्पेलिंग देखिए त ट को छोटी ई न को बड़ी ई टटनी। तो चलिए अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। कमल, कमल एक फ्लावर का नेम है। जलज पंकज नीरज। आंख, आंख मीन्स आई। नयन चक्षु नेत्र, चक्षु की स्पेलिंग देखिए च क्ष को छोटा ऊ चक्षु। वृक्ष, वृक्ष यानी ट्री। पेड़ तरुवर तरु, तरु की स्पेलिंग देखिए त र को ऊ तरु। बाग गार्डन वाटिका कुंज उपवन, कुंज की स्पेलिंग देखिए क को छोटा ऊ ऊपर अंग ज कुंज। तालाब पोंड सर सरोवर ताल। माता मदर माँ जननी अम्बा, अम्बा की स्पेलिंग देखिए अ आधा म ब को आ अम्बा। घर होम गृह भवन सदन, और मकान भी कहते हैं हम इसे। गृह की स्पेलिंग देखिए ग के पैर मेरी ह गृह। पति हस्बैंड स्वामी नाथ बालम। आधा स व को आ म को बड़ी ई स्वामी। बादल मेघ वारिद नीरद, वारिद की स्पेलिंग देखिए वार को छोटी ई द वारिद। पुत्र सन बेटा लड़का तनुज। स्त्री नारी औरत महिला। सोना गोल्ड स्वर्ण कंचन हेम। आधा स व अण के ऊपर एफ स्वर्ण। अन्य भिन्न पृथक दूसरा, भिन्न की स्पेलिंग देखिए ब को छोटी ई आधा न न भिन्न। पृथक प के पैर में री थ क पृथक। अमृत सुधा पीयूष सोम, पीयूष की स्पेलिंग देखिए प को बड़ी ई य को बड़ा ऊ श पीयूष। अतिथि गेस्ट, गेस्ट को क्या कहते हैं मेहमान। आगंतुक पहुना, आगंतुक की स्पेलिंग देखिए आ ग के ऊपर अंग त को ऊ क आगंतुक। अंधकार डार्क, तम अंधेरा
तिमिर। हिरन डियर को क्या कहते हैं? कुरंग, सारंग, मृग। मृग के स्पेलिंग देखिए, म के पैर में री, ग, मृग। हाथी एलिफेंट, गच, हस्ती, करी। हस्ती के स्पेलिंग देखिए, ह, आधा स, त को बड़ी ई, हस्ती। शरीर बॉडी, तन, देह, काया। तो चलिए बेटा, अब हम समानार्थी शब्दों से रिलेटेड इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए अब आप अपना पेज नंबर 60 निकाल लीजिए। इसकी घ एक्सरसाइज में देखिए, समान अर्थ शब्दों का मिलान कीजिए, यानी समानार्थक वाले शब्दों का मिलान, मिलान यानी मैचिंग, मैचिंग करनी है आपने। तो देखिए, नंबर वन है मित्र। तो बेटा, मित्र के जितने समानार्थी शब्द हैं उसके साथ आपने इसकी मैचिंग करनी है। तो देखिए, इस साइड पे कौन से हैं? सखा, दोस्त, सहचर। तो बेटा, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में सखा आना है, जहां पर लिखा हुआ है सख, तो आपने ख के साथ आ की मात्रा लगा देनी है, सखा। तो मित्र का आ गया सखा, दोस्त, सहचर। इसके आगे आपने नंबर वन डाल देना है। ऐसे ही सेकंड नंबर है संसार, थर्ड नंबर है हवा, फोर्थ नंबर है फूल, फिफ्थ नंबर है पुत्री, सिक्स नंबर है जल। आपने इन सभी समानार्थी शब्दों को लर्न करके इसमें से ढूंढकर उसकी मैचिंग करनी है। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए, एक्सरसाइज नंबर 6। ये है पेज नंबर 62 पर। इसमें दिया गया है, दिए गए चित्रों के दो दो पर्यायवाची लिखो, यानी समानार्थी शब्द लिखिए। तो बेटा, यहां पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि नंबर वन है, ये किसका चित्र है? वेरी गुड, घोड़े का। तो ये घोड़ा है, घोड़े के दो समानार्थी शब्द होते हैं गोटक, तुरंग। तो बेटा, इसी प्रकार आपने सेकेंड नंबर पे है हाथी, थर्ड नंबर पे है फूल, फोर्थ नंबर पे है नृप यानी राजा। तो आपने इन चारों के समानार्थी शब्द लर्न करने हैं और इसके बाद यहाँ पर इसके दो दो समानार्थ शब्द लिखने हैं। तो आज के सेशन में हमने जाना, समानार्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बेटा, आप सबने इन शब्दों की अच्छी तरह से दोहराई करनी है, डिफिकल्ट वर्ड्स को अपनी अपनी कॉपीज पर लिखना है और इसकी बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।